हेलो स्टूडेंट्स, 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का यह सिक्स सीरीज का 51st क्वेश्चन। व्हाट इज द पब्लिक लॉ 480 पीएल 480 क्या है स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर अमेरिकन लॉ होगा। पब्लिक लॉ 480 1954 अमेरिका में पारित किया गया था। जब अमेरिकी कांग्रेस ने पीएल 480 पारित किया तो इस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता बाद भारत में तीव्र भोजन में कमी को दूर करने के लिए अमेरिका से गेहूं की खरीद के लिए भारत को ऋण प्रदान किया गया। इस अधिनियम से आगे निर्दिष्ट किया गया कि ऋण से उपार्जित व्यय की कुछ राशि का उपयोग पुस्तकों और पत्रिकाओं, वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। अतः पीएल 480 जो है अमेरिकन लॉ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर होगा 1972। RRRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित है और यह पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। इसकी स्थापना 1972 में राजा राम मोहन रॉय के 200वें जन्मदिन पर की गई। यह भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो अपने संघ के ज्ञापन में सम्मिलित उद्देश्यों की अनुरूप लोक पुस्तकालय सेवाओं और देश में लोक पुस्तकालय आंदोलन को प्रोन्नत करने में मदद प्रदान करती है। RRRLF की मुख्य प्रकाशक डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया टैगोर बाइब्लियोग्राफी RRRLF न्यू सेल्टर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासिफिकेशन कैटालॉग कोड CCC निम्न में से किसने तैयार किया था? द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर SR रंगनाथन। CCC का निर्माण डॉक्टर रंगनाथन ने 1934 में किया था। यह भारत का पहला कैटलॉग कोड था। इसके दो भाग वर्गीकृत और वर्णानुक्रमिक होते हैं। इसका सेकेंड एडिशन 1945, थर्ड एडिशन 1951, फोर्थ एडिशन 1958, फिफ्थ एडिशन 1964, 1988 रिप्रिंट। MBO के अनुसार CCC की मुख्य एंट्री में निम्नलिखित 6 अनुच्छेद होते हैं। फर्स्ट लीडिंग सेक्शन, सेकेंड हेडिंग सेक्शन, थर्ड टाइटल सेक्शन, फोर्थ नोट सेक्शन, फिफ्थ एक्सेशन सेक्शन, सिक्स्थ ट्रेसिंग सेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा स्मृति विज्ञान का प्रकार नहीं है? द करेक्ट आंसर इज अल्फा नोमेरिक। 55th क्वेश्चन, रंगनाथन के अनुसार किस मूलभूत श्रेणी की पहचान कठिन है? रंगनाथन के अनुसार पर्सनालिटी को पहचान करना बहुत ही कठिन है। PMEST डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्मित 5 मूलभूत श्रेणियां PMEST, पी मीन्स पर्सनालिटी, जिसको कॉमा से, एम मैटर सेमी कॉमा से, ई एनर्जी कॉलम से, एस स्पेस डॉट से, टी टाइम समय पक्ष, एकल इन्वर्टेड कॉमा से जो है डिनोट किया जाता है। जहां पी जो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व पक्ष, व्यक्तित्व मूलभूत श्रेणी की पहचान सर्वाधिक कठिन होती है। इसकी पहचान के लिए डॉक्टर रंगनाथन द्वारा अवशेष का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि 5 मूलभूत श्रेणियों में से क्रमशः समय, स्थान, ऊर्जा एवं पदार्थ की पहचान करने के बाद जो शेष बचे वह मूलभूत श्रेणी व्यक्तित्व के अंतर्गत आएगा, अर्थात पर्सनालिटी को पहचान करना बहुत ही कठिन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
एनपीएसी कार्यक्रम अधीन है। एनपीएसी कार्यक्रम कोऑपरेटिव कैटालॉगिंग के अधीन है। एनपीएसी का पूरा नाम नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्विजिशंस एंड कैटालॉगिंग होता है। 1958 में कानून के माध्यम से और बाद में 1965 में लाइब्रेरी ऑफ कॉप ग्रेड को सशक्त बनाया गया। अनुसंधान की सभी सामग्रियों के लिए बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड का अधिग्रहण, कैटलॉग करना और वितरित करना इस कार्यक्रम के तहत 1966 में शुरू किया गया और कई अधिग्रहण और कैटलॉग कार्यक्रम विदेशों में खोले गए। इसकी स्थापना पहले वर्ष के अंत तक 9 विदेशों में कार्यालय थे और अब 21 देशों में प्रकाशन की जानकारी के साथ सूची प्रदान कर रहे हैं। आजकल मुद्रित कैटलॉग कार्ड की मांग मार्क टेप द्वारा पूरी की जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीओसी। जीओसी का पूरा नाम गुड ऑफिस कमिटी होता है। गुड ऑफिस कमिटी अर्थात इसका सही ऑप्शन सी है। गुड ऑफिस कमिटी एक स्वैच्छिक संगठन है जो पुस्तकालय को पुस्तक आपूर्ति की एक समान शर्तों को स्थापित करने के लिए और बुक सेलरों के लिए उचित कार्यों मार्जिन और पुस्तकालयों के लिए एक कुशल सेवा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई। समिति नियमित अंतराल पर बैठक करती है और मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखने के बाद पुस्तकों और पत्रिकाओं की रूपांतरण शासी बिक्री की दरों पर निर्णय लेती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से उदाहरण है। अस्थाई समिति का विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में ग्रंथ चयन बुक सिलेक्शन अस्थाई समिति के द्वारा किया जाता है। ग्रंथ चयन के दो कारक हैं, दरूरी के अनुसार पुस्तक चयन। दरूरी ने 1930 में एएलए द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक बुक सिलेक्शन में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। इस सिद्धांत के अनुसार यूजर द्वारा मांगे जाने पर चयनित सामग्री को अविलंब प्राप्त करवाया जाना चाहिए। पुस्तक चयन में यूजर की आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। नई पुस्तकें खरीदने के समय उत्तम पुस्तक का चयन किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज APUPA अपूपा पद्धति किस क्रिया से संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय व्यवस्थापन के लिए APUPA एलियन पेनुम्ब्रॉल अम्ब्रल पेनुम्ब्रॉल एलिन का सिद्धांत डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था। यह पुस्तकालय वर्गीकरण में पुस्तकों को अरेंजमेंट करने का मेथड है। अपूपा के अनुसार डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र से संबंधित है। इसमें डॉक्यूमेंट को तीन भागों अम्ब्रल पेनुम्ब्रल और एलिन में वर्गीकृत किया गया है। द लास्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन इंडिया। द करेक्ट आंसर इज डीसी देशमुख। डीसी देशमुख। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मानव विकास मंत्रालय के तहत यूजीसी एक्ट 1956 के अनुसार भारतीय संघ सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह एक स्वायत्त शासी का संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पुणे भोपाल कोलकाता हैदराबाद गुवाहाटी और बेंगलोर में 6 क्षेत्रीय केंद्र 1997-1995 में स्थापित है। यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर इसकी नींव रखी तथा यह पूर्ण रूप से 1956 में विशेष विधेयक यूजीसी एक्ट 1956 के तहत लागू हुआ। यूजीसी का आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। इसके पहले भारतीय अध्यक्ष सी डी देशमुख थे। Thank you.